सो वेलकम बैक टू आवर चैनल का स्टडी विद करण यादव। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं क्लास दसवें के सोशल साइंस इकोनॉमिक्स के छठे चैप्टर वैश्वीकरण के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर जो 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटे बटन दबा दे ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, वैश्वीकरण ने देशों को किया है तो देशों को क्या किया है, करीब किया है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है तो परमिट संबंधी, लाइसेंस संबंधी और कोटा संबंधी, मतलब उपरोक्त तीनों। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक सुधार लागू हुआ तो कब से लागू हुआ तो दोस्तों वर्ष 1991 से। चौथा प्रश्न है दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है तो इसका आंसर होगा दोस्तों कमी। क्या लाती है तो दोस्तों कमी लाती है। पांचवा नंबर प्रश्न है दोस्तों, विकसित राष्ट्र श्रम के निर्बाध प्रवाह में उत्पन्न कर रहे हैं तो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। छठा प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई तो कब से अपनाई तो 1991 से। सातवां नंबर प्रश्न दोस्तों, निमांकित में निवेश की सुविधाएं नहीं है तो बिजली बिल में। आठवां नंबर प्रश्न दोस्तों, विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है लाभ होता है। नौ नंबर प्रश्न दोस्तों, प्रौद्योगिकरण के विकास से वैश्वीकरण की गति प्रभावित हुई है तो तेज गति से। दसवां नंबर प्रश्न दोस्तों, WTO का विकसित रूप है तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म क्या है तो दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ग्यारहवां नंबर प्रश्न दोस्तों, आज के पहले आए वैश्वीकरण के दौर का वर्ष था तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1870 से 1914 ईस्वी तक। बारहवां नंबर प्रश्न दोस्तों, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा तो अपेक्षाकृत कम। और दोस्तों यहाँ पे 13वां नंबर प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ तो कब से आरंभ हुआ तो 1991 ईस्वी से। 14वां नंबर प्रश्न दोस्तों, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है तो उपभोग। 15वां नंबर प्रश्न दोस्तों, उत्पादन संबंधित सारी क्रियाएं निर्भर करती है तो उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। 16वां नंबर प्रश्न दोस्तों, उपभोक्ताओं का सदैव होता है तो दोहन, शोषण, उत्पीड़न, इसका मतलब दोस्तों उपरोक्त तीनों इसका आंसर होगा दोस्तों। 17वां नंबर प्रश्न दोस्तों, उपभोक्ताओं को होनी चाहिए तो दायित्व का ज्ञान, कर्तव्य का ज्ञान, अधिकार का ज्ञान, इसका मतलब उपरोक्त तीनों। और दोस्तों 18वां नंबर प्रश्न दोस्तों, वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ताओं को होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे 19वां नंबर प्रश्न कहता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इतने पे ही वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटे बटन दबा दे ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।